Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 10 क्रिया उसको हम पढ़ेंगे. क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं. सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि क्रिया क्रिया क्या है. तो किसी काम के करने या होने का हमें पता चले उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे. जुड़िए और समझिए. चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे वर्णन को पढ़िए. यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उन्हें हम ध्यान से देखना है. आपको देखना है, आप देख ही रहे होंगे. सुबह का समय था, दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा. सुबह का समय था और एक रॉकेट है, वह तारा की छत पर उतरता है. तारा गहरी नींद में सो रही थी. यहाँ पर देख रहे हो कि तारा है, वह गहरी नींद में सो रही है. रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा. उसने तारा को जगाया. उसने क्या किया, तारा को जगा दिया. तारा ने आंखें खोली. वह सो रही थी इसलिए. अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई. अपने सामने कोई प्राणी था, उसको देखकर वह एकदम चौंक जाती है. अब आगे देखते हैं. बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि रंगीन शब्द, यहाँ पर देखिए रंगीन शब्द आए हैं. उड़कर आता हुआ, उतरा, सो रही थी, खुला, आई, उतरा, वह सारे रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं. हमें काम के होने का बोध करा रहे हैं. देखे आप खोली, यहाँ खोलने का क्या हो रहा है, हमें बोध यानी कि पता चल गया है, पता चलता है. ये सभी क्रिया शब्द है. ये सभी क्या है, क्रिया शब्द है. सोना है तो वह काम है, काम कर रही है सोने का. क्रिया का अर्थ है, सभी क्रिया शब्द है, क्रिया का अर्थ है काम. क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है. इस प्रकार क्रिया ही अगर ना हो तो काम ही अधूरा रहेगा. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का कोई शब्द होता है उनसे हमें काम करने का क्या हो, बोध हो यानी कि पता चले, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे. उन शब्दों को क्रिया कहेंगे. पेज नंबर 73 पर लिंग कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है. लिंग कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का जो रूप होता है वह भी बदल जाता है. जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं. लिंग परिवर्तन होने पर क्या होता है, कारक परिवर्तन होने पर और वचन परिवर्तन होने पर. देखिए लड़का जा रहा है तो यहाँ पर लिंग बदल गया, लड़का है उसका लिंग बदल गया, तो उसका लिंग हो गया लड़की, स्त्रीलिंग हो गया. लिंग परिवर्तन, लड़की जा रही है. अब कारक में परिवर्तन होने पर कर्ण ने कहानी लिखी, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण कहानी लिखता है. अब वचन में परिवर्तन देखिए, लड़की नृत्य कर रही है, तो यहाँ वचन क्या हो गया, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, बहुवचन हो गया, नृत्य कर रही है. इसके नीचे धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. कोई भी क्रिया होती है उसका जो मूल रूप होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे. इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं. जैसे लिख तो क्या होगा, लिखना, गा तो क्या होगा, गाना, पढ़ तो उसका पढ़ना. यह धातु है, लिख है वह धातु है, गा वह धातु है. पढ़ना, नाच, सो, खा, रो,
आदि से लिखना गाना, मैंने बताया ना कि लिख का क्या होगा, लिखना गाना, पढ़ तो पढ़ना, नाच तो नाचना, सो तो सोना, खा तो उसका क्या होगा खाना, रो तो उसका क्या होगा रोना, आदि क्रिया शब्द ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। आदि के पीछे क्या ना लगाया गया है आप देख ही सकते हो, सोचना सोना रोना आदि ना जोड़कर लगाया गया है। अब इसके नीचे क्रिया के रूप, क्रिया के रूप सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया, कितने क्रिया है दो। क्रिया के दो प्रकार है, क्रिया के कितने प्रकार है दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वह जानेंगे। स सहित यानी कर्म, कर्म के यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर संधि छुट्टी की गई है कि स प्लस कर्म यानी कि कर्मों के साथ। देखिए यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं और हमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। राजू बांसुरी बजा रहा है, यहाँ पर बजा रहा है वह क्या है क्रिया, राजू है वह करता है, और कर्म, कर्म यानी कि काम क्या कर रहा है, बांसुरी बजाने का काम कर रहा है कर्म। छवि दूध पी रही है, यहाँ पर देख रहे हैं आप चित्र, ही कर्ता कर्म और क्रिया, क्रिया क्या कर रही है पी रही है, पीने की क्रिया कर रही है, कर्म है क्या तो कि दूध है, यहाँ कर्म क्या था बांसुरी थी, इसलिए यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे इन वाक्यों में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कर्म है। जैसे राजू क्या बजा रहा है, राजू है वह क्या बजा रहा है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन हुआ तो उसका उत्तर क्या होगा बांसुरी, तो वह क्या हो गया सकर्मक। यहाँ पर छवि क्या पी रही है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो छवि क्या पी रही है दूध, हमें जिसका आंसर मिल जाए, जिसका क्या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलता हो उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसका उत्तर हमें मिलता ही ना हो वह अकर्मक क्रिया होगी, वह हम आगे देखेंगे। पेज नंबर 74 पर इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म या कर्म पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्या पाया जाता है कर्म उसे हम क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब नेक्स्ट अकर्मक क्रिया, ओ यानी ओ रही, कर्म, कर्म के यानी कर्म के बिना, कर्म के बिना जिसका बोध हो वह अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, कृति विद्यालय जा रही है, कृति है यहाँ कर्ता है और जा रही है वह क्रिया है, यहाँ पर चित्र देख रहे हो आपकी कृति है वह स्कूल जा रही है। नेक्स्ट हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वह हवाई जहाज है वह करता है और क्रिया उड़ रहा है, उड़ने की क्रिया कर रहा है। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, जैसे कृति क्या जा रही है, ऐसा कोई होगा कृति कोई उत्तर नहीं है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हवाई जहाज क्या उड़ रहे हैं, यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कृति क्या जा रही है इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कर्ता और केवल क्रिया का ही प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है।
जिस क्रिया में कर्म ही नहीं पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? अकर्म क्रिया। जिसमें कर्म कर्म है वो पाया ही बताया ही नहीं जाता है उन्हें हम अकर्म क्रिया कहेंगे। अब नेक्स्ट विशेष यानी और भी कुछ विशेष दिया गया। होना अर्थात है तथा था भी क्रिया होते हैं। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती है जैसे रोशन बाजार से आकर सो गया। नेक्स्ट इन वाक्यों में आना और सोना दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ऊपर वाक्य है इसमें आना और सोना दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं जैसे रिया ने चंचल को मिठाई खिलाई। दो कर्म पाए जाते हैं जैसे रिया ने चंचल को मिठाई, चंचल और मिठाई, दीपा ने राजीव को गाना सुनाया। इन वाक्यों में किससे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया गया रिया ने क्या खाई तो उसका उत्तर क्या होगा? मिठाई। इसलिए यह सकर्मक का उदाहरण है। दीपा ने क्या सुनाया तो क्या उत्तर होगा? गाना। किसे खिलाई तो उसका उत्तर चंचल को। किसे सुनाया तो उसका उत्तर क्या होगा? राजीव को। दो दो क्या है? कर्म है। इसलिए यह सकर्मक के उदाहरण है। अतः यानी कि यहाँ दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। आओ दोहराए। आ काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। क्रिया अगर हो ही नहीं तो वाक्य भी अधूरा होगा। कारक लिंग तथा वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हमने आगे देखा धातु गा, ऐसा हमने आगे देखा लिख, ऐसे धातु आगे हमने देखा तो लिख तो क्या होगा? लिखना। गा तो गाना। ऐसा हमने देखा क्रिया के दो प्रकार है सकर्म और अकर्मक क्रिया। जहां कर्म पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक। और जहां कर्म ही पाया ना जाए वहां उसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। आओ करें। अब हमें यहाँ पर करना है यानी कि क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जरा बताइए तो हमें यहाँ पर बताना है क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ ही देखा कि काम का करना या होना बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। काम का करना कोई भी हम काम करते हैं उनका करना या होना उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट कर्मों के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? उसका उत्तर होगा दो, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। तो हमने यहाँ ही देखा कि जहाँ कर्म पाया जाए उन्हें हम सकर्मक क्रिया और जहाँ कर्म ही ना पाया जाए वहाँ उसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। यह अंतर है। आपको वो तीन क्वेश्चन आंसर है वह नोटबुक में होमवर्क में लिखने हैं। ओके अब नेक्स्ट पेज पर आइए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। हमें यहाँ पर उचित क्रिया भरकर वाक्य को पूरे करने हैं। फर्स्ट वन, इस समय घड़ी में 4 है तो उसका उत्तर 4 बज रहे हैं। बच्चे मेले में झूला खाल जगिया रहे हैं तो झूल रहे हैं। बच्चे मेले में झूला झूलते हैं। समर ने राघव को घड़ी दी। नेक्स्ट वन, सड़क पर दो महिलाएं खाल जगिया रही थी। यहाँ पर देखिए जा रही थी। पक्षियों के घोंसले में घोंसले नहीं
हर जगह चाहिए, तो उसका उत्तर होगा तोड़ने। पक्षियों का जो घोंसला होता है उन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन, वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। फर्स्ट वन, पक्षी उड़ गए, तो यहाँ वह उसका उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। सेकंड वन, हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, यह सकर्मक क्रिया। हमने आगे देखा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या बांसुरी बजाना, ऐसा हमने आगे देखा। देखिए यहाँ पर राजू बांसुरी बजा रहा है, इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ऐसे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। और जहाँ क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, क्रिया ही बताई नहीं गई है, वह अकर्मक क्रिया होगी, वह हमने आगे यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट वन, हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, यहाँ पर लगाने चाहिए वह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट वन, हमें बिजली तथा पानी की बचत करनी चाहिए वह क्रिया है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। शेर जंगल में सो रहा है, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। लास्ट वन, हम सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए वह क्रिया है, इसलिए यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित धातुओं से क्रिया शब्द बनाइए तथा उन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमने आगे देखा कि गा, लिख, ऐसा, तो यहाँ पर भी सोच, ले, गा, पहन, रख, ऐसे हमें यहाँ पर दिए गए हैं। वहां भी हमने पीछे क्या लगाया था, ना, तो यहाँ भी हम ना लगाकर वाक्य बनाएंगे। सोच, तो उसका होगा सोचना। आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कबीर बैठकर कहानी सोचने लगा। नेक्स्ट वन, ले, तो उसका होगा लेना। हमें किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, गा, गो क्या है, गा, तो गाना। सुधा ने मधुर गीत गाया। आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो। पहन, तो पहनना। निशा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। रखना, रख, तो उसका क्या होगा, रखना। यहाँ पर हमें धातु दिए गए हैं, उसका हमें वाक्य बनाना है, रखना। मेज पर बस्ता रखा है। उसके बाद कर्मों को क्रिया से मिलाइए, यानी कि जोड़ बनानी है हमें यहाँ पर। फूल, तो यहाँ पर एक दिया गया है, फूल को हम क्या कहेंगे, खिलना, क्रिया हो गई फूल की, खिलने की। पत्र, तो उसका होगा पत्र लिखना। गेहूं, गेहूं को उगाना, गेहूं उगते हैं, उसकी वह क्रिया है। कपड़े धोना, यहाँ पर दिया गया है, देखिए चित्र। रोटी, रोटी तो पकाना। गीत, गीत गाना, यहाँ उसको क्रिया के साथ हमने जोड़ा। अब जरा सोचिए, तो यदि सूरज, बादल और चांद अपना काम ही नहीं करते तो क्या होता, क्या होता, वह आपको सोचना है। ओके, नेक्स्ट वन, करके देखिए। वर्ग पहेली में दिए गए वर्णों के सार्थक मेल से बने क्रिया शब्द छाटी। हमें यहाँ पर क्रिया शब्दों को छाटना है, क्रिया यानी कि काम, और उनका प्रयोग करते हुए लघु कहानी लिखिए। समय सीमा 10 से 15 मिनट। आपको कोई भी क्या करना है, क्रिया शब्दों को छाटना है और समय सीमा 10 से 15 मिनट की कहानी लिखनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्रिया है उसको हम छाटेंगे, और आपको कहानी है
वह अभी लिखनी नहीं है, सिर्फ सोच कर रखनी है, ओके? कि वह कहानी क्या होगी? यहाँ पर देखिए, काटना, टहलना, सिलना, मैंने यहाँ पर ऐसे बनाए गए हैं, आप ऐसे गोला लगा लीजिएगा। सुनना, सिलना, पीना, फिसलना, टहलना, टलना, यहाँ पे टहलना, टलना, लिखना, हम यहाँ पर लिखने की क्रिया, सुनना, आप सुनने की क्या कर रहे हो, क्रिया, तैरना, यह सारी क्रिया है, खोना, खोने की क्रिया, बना, बनाने की क्रिया, पाना, फिर क्या हो गया, नापा यानी कि नापना, फिर चलना, ओके? आप ऐसे यहाँ पर गोला लगा लीजिएगा। इसके बाद नीचे जीवन मूल्य, व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, जन्म से नहीं, जन्म से कोई महान नहीं होता है, जन्म लेने के बाद क्या कार्य करता है महान, उससे वह महान होता है। कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, अतः हम सभी को यानी कि हम सभी को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आई होप आपको यह चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।